दोस्तों इस ट्रिमर को कितने लोगों ने देखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप में से 99% लोगों ने इस ट्रिमर को देखा भी होगा और इससे बाल भी कटवाए होंगे। ज़्यादातर बार्बर भाई इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये ट्रिमर कुछ अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इस वीडियो में आपको मैं इस ट्रिमर के बारे में टोटल बताऊंगा, साथ में कुछ रिपेयरिंग के टिप्स भी दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे कुछ नया सीखोगे और रिपेयरिंग के पर्पज़ से देख रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। आप लोग पहले तो एक सवाल का जवाब दो कि आप में से कितने लोग ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं। कोई सा भी ट्रिमर हो, हेयर ट्रिमर हो, बियर्ड ट्रिमर हो, कितने लोग ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं ज़रूर बताना। तो भाई ट्रिमर के अंदर क्या होता है ना, इस ब्लेड को रन करवाने के लिए एक मोटर होती है। मोटर के आगे शाफ्ट होती है, वो इस तरीके से शाफ्ट की कुछ डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है जो इस ब्लेड को रन करवाती है। लेकिन इस ट्रिमर के अंदर एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। जी हाँ, चलिए कमेंट करके बताइए, आप लोग अंदाज़ा लगा के बताइए कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई हो, मोटर होगी या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। देखते कितने लोग की कमेंट सही होती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करी गई है और पूरा डिटेल से समझाऊंगा। चलिए मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, अब आपको दिखाता हूँ। जिन जिन लोगों ने मोटर कमेंट लिखा था वो देख सकते हैं। इसके अंदर मोटर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ये मोटर वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुई है। इसके अंदर जो आपकी ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी होती है वो इस्तेमाल करी गई है। और ये कैसे चलता है, वो कैसे रन करता है, ये आपको डिटेल से बताऊंगा। रिपेयरिंग के टिप्स अगर दूँ तो सबसे पहले अगर ये बिल्कुल डेड है तो आप इसके स्विच को चेक कीजिए। स्विच अगर ख़राब है, ज़्यादातर कंडीशन में स्विच ख़राब होता है, स्विच के अंदर कार्बन आ जाता है, तो स्विच को थोड़ा सा क्लीन करके देख लें। अगर आपको स्विच मिल जाए इस टाइप का तो डाल दें, नहीं तो डायरेक्ट कर लो, मेन स्विच से ही काम चला लो और वायर वगैरह भी चेक कर लो। तो दो आपको टिप्स दे दिए। और तीसरा जो इसमें ये चीज़ इस्तेमाल करी गई है जिसकी वजह से ये वज़न जो है इसी की वजह से आ रहा है। इसमें इसका जो वज़न है ना लगभग पाव भर से ज़्यादा ही होगा, तो ये इसी की वजह से हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी, इसमें EMF का प्रयोग किया गया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये इसमें ये रन करता है। कैसे करता है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो और कुछ नया सीखो। आपको आज तक किसी ने भी ये चीज़ इस तरीके से नहीं बताई होगी, बताई है तो अच्छी बात है, नहीं बताइए तो सीख लो। ये ब्लेड इससे ये देखिए दो पार्ट हैं इसके। एक पहले मैं इसकी स्प्रिंग्स को निकाल देता हूँ ताकि आपको डिटेल से बता सकूँ। इसकी स्प्रिंग निकालने से आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ये पार्ट अलग है, देखिए ये जो पार्ट है ना ये पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पार्ट इससे अटैच है और ये स्प्रिंग यहाँ पर और यहाँ पर लगी हुई रहती है जो कि मैंने निकाल दी है। वो स्प्रिंग यहाँ से इसको प्रेस करती है, वो वाली स्प्रिंग उसको प्रेस करती है, यानी कि वो बैलेंसिंग के लिए होती है। और यहाँ पर जो स्क्रू दिया रहता है अगर उसको थोड़ा सा छेड़ दो तो ये डिसबैलेंस हो जाता है या इसमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से नॉइज़ एक्स्ट्रा नॉइज़ आने लगता है। तो इसके द्वारा इसकी सेटिंग करी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना कभी कभी भी एक्स्ट्रा नॉइज़ आए तो इससे आप इसको ढीला कर दो, वो नॉइज़ बहुत कम हो जाता है, यानी कि वाइब्रेशन बहुत कम हो जाता है, इससे इसकी सेटिंग करी जाती है। नंबर वन, सेटिंग गड़बड़ा जाए तो इसको ढीला करके आप सही कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रू होता है इसको बैलेंस करता है इस वाले पार्ट को। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पार्ट यहाँ से वायर आई और ये स्विच के माध्यम से होते हुए दोनों वायर यहाँ पर चली गई। ये जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, इसके अंदर EI कोर होती है जो कि ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और सेकेंडरी सेक्शन में देती है। लेकिन इसमें कोई सेकेंडरी सेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये बीच में ये कोर होती है, बीच में आप देखिए ये पत्तियां दी हुई हैं, जैसे ट्रांसफार्मर दी होती है वैसे ही कोर होती है। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कोर एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगी। जैसे वो कोर मैग्नेट बनेगी तो यहाँ पर इसको खींचने लगेगी, इस वाले पार्ट को इस तरीके से खींचने लगेगी और वो स्प्रिंग इसको ढंग से खींचने, ये जो स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई रहती है ना वो इसको खींचने नहीं देगी, वो इस तरीके से उसको उधर को धकेलेगी और वहाँ पर जो स्प्रिंग दूसरी तरफ लगी रहेगी वो उसको धकेलेगी। यानी कि स्प्रिंग इसको धकेलते रहेगी, ये इसको खींचेगी, स्प्रिंग इसको धकेलेगी, यानी कि ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा। और जो मूवमेंट करेगा इसके टॉप में ये ब्लेड लगी हुई रहती है, वो ब्लेड भी इस तरीके से मूव होते रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये ब्लेड का ये जो पार्ट है ना ये आगे टूटा हुआ है जो कि यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मैग्नेट इस पार्ट को खींचने लगता है और ये ब्लेड इस तरीके से मूवमेंट करने लगती है। देखिए इसको इस तरीके से खींचेगा, उसके बाद ये स्प्रिंग इधर को धकेलेगी, इस तरीके से मूवमेंट जारी रहेगा। जैसे मूवमेंट जारी रहेगा तो इस तरीके से रन करेगा। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ इसे।
ये देखिए, इसके बीच में ये मैग्नेट अभी बन रहा है, ये देखिए वाइब्रेशन यहाँ से सेट करी जाती है। देखिए ये इसको अपनी ओर को खींच रहा है, इस मेटल को ये अपनी ओर को खींच रहा है, क्योंकि अभी ये मैग्नेट बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल मैग्नेट कैसे बिहेव करता है। दोस्तों अभी ये 220 वोल्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो भाई मुझे तो सेफ्टी के साथ काम करना रहता है, बट आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से करनी रहेगी, सेफ्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ग्लव्स वगैरह ले लीजिए अगर आपको इस पर जानकारी नहीं है तो, अगर इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स वगैरह ले लेने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ये पार्ट टूटा हुआ है, पार्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पार्ट इसमें थोड़ा सा टूटा हुआ है, वो किसी तरीके से मुझे जोड़ना है तब जाके प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखिए ये इसमें हिल रहा है, तो इस पार्ट को मैंने जोड़ना रहेगा, फिलहाल ऐसे जोड़ा हुआ है लेकिन ये सही से काम नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लेड है इस तरीके से ना इससे कनेक्टेड रहती है, और ये जो है इस तरीके से मूवमेंट करता है, इस तरीके से मूवमेंट करेगा और ब्लेड रन करेगी। ये मूवमेंट कब करेगा, जब इसको ऑन करेंगे और इसमें मैग्नेट फील्ड बनेगा। इसको ऑन कर दिया, अब कोई वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन ये मैग्नेट अब बन चुका है। देखिए देखिए स्क्रू ड्राइवर को अपनी ओर को खींच रहा है। आप ये साउंड सुन रहे हो, हमिंग साउंड। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आपको कोर इसमें भी दिख रही होगी, ये कोर इसको इस तरीके से, ये वाले कोर इसको खींचने लगती है मैग्नेट की तरह। तो ये देखिए ये अभी मैग्नेट बन चुका है, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब ये मैग्नेट बनेगा। जैसे मैं इसको ऑफ कर दूंगा ये स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर जाएगा। देखिए ये भी फिलहाल टेम्प्ररी मैग्नेट बन चुका है। मैं एक अलग से मेटल दिखाता हूँ, इसको दिखाता हूँ, ये टेम्प्ररी मैग्नेट अभी बन चुका है, तो इसको दिखाता हूँ। देखिए ये अब नहीं चिपक रहा, देखिए नहीं चिपक पा रहा, फोकस करता हूँ जस्ट उस पर, देखिए ये नहीं चिपक पा रहा, ये देखिए नहीं चिपक पा रहा। मैं इसको ऑन करूँगा तो ये मैग्नेट बन चुका है और इसको खींचने लगेगा। देखिए ये देखिए खींचने लगेगा और ये मैग्नेट बन चुका है। जैसे मैं इसको ऑफ़ करूँगा स्क्रू ड्राइवर को नीचे गिर देगा, गिर दिया, और देखिए ऑन कर दिया ये खींचने लग गया। तो देखिए यही टेक्नोलॉजी पे काम करती है, यानी कि मोटर कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है, लेकिन ये जो मशीन होती है ना बहुत लंबा चलती है, क्योंकि इसमें मोटर वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कॉइल और ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई है। और ये मैग्नेट जो है इस तरीके से इसको खींचेगी तो इस तरीके से मूव करेगा। इसके टॉप में ब्लेड लगी रहेगी, ब्लेड भी मूव करेगी, इस पर ब्लेड इस तरीके से मूव करती है। तो आई होप कि कुछ कुछ चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से ब्लेड मूव करेगी तो कट करता रहेगा। अब यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये जो है एक सेकेंड इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है आप देख रहे हैं, ये पार्ट थोड़ा सा इस तरीके से डिसबैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पर इसको या तो कहीं पे फिक्स करना रहेगा सही से, नहीं तो ये ब्लेड को नहीं चला पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बस या तो ये पूरा पार्ट मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ इसमें जुगाड़ करके इसको परमानेंट यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ताकि ये इस तरीके से हिले डुले ना। अगर ये हिलते रहेगा तो क्या होगा, ब्लेड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा पार्ट हिलेगा, ये सिर्फ यही नहीं हिलना चाहिए, ये पूरा पार्ट इस तरीके से हिलेगा, इस तरीके से, तब जाके ब्लेड रन करेगी। तो यहाँ पर ये होता है इसका, ये कोर यहाँ पर, ये इसमें भी कोर लगी हुई, इसमें भी कोर लगी, ये कोर मैग्नेट बनेगी और ये इसको इस तरीके से खींचते रहेगी। तो क्या होगा, वो वहाँ से स्प्रिंग धक्का देगा और इधर आएगा तो ये स्प्रिंग धक्का देगा, तो इस तरीके से ये काम जारी रहेगा। तो ये टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। अब कभी ये चीज़ ख़राब हो जाए ना तो इसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें भाई वायर का गेज पता करना पड़ेगा, इसमें कौन सी कॉइल लगी, उसका गेज या फिर उसके राउंड आपने देखने पड़ेंगे, ताकि ये 220 वोल्ट से प्रॉपरली रन कर सके। अगर आपको ध्यान से इसके वाइंडिंग का भी पता चल गया ना, कितनी इसमें लपेटी हुई है टर्न, तो वो आप इसको भी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि ये चीज़ आसानी से रिपेयर हो सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल करा गया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, यही है। इसकी कीमत वैसे ऑनलाइन देखी जाए तो 1500-1600 के आसपास होता है, पता नहीं आप अगर आपके पास है तो इसको कितने रुपए में आपने ख़रीदा था कमेंट करके बताना, ऑनलाइन में ऐसे अलग अलग रेट बताता है। तो क्या इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इसमें मोटर नहीं है, इसमें ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई है, इसको आप ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं, इसको आप कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन टोटली जो इसमें काम हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हो रहा है।
तो भाई ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी और कुछ टिप्स मैंने आपको दिए रिपेयरिंग के, वो आपको कैसे लगे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए भाई टेक केयर। और हाँ, हमारे कुछ दिनों पहले हमने एक ट्रिमर रिपेयर करा था और भी बहुत सारे ट्रिमर हमने रिपेयर करे हैं, उनकी वीडियो अगर देखनी हो तो देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल।